तो कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यही डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा? यस सर। पीरियोडिसिटी होता है क्या, वो सबको बाद में चीजें समझेंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, टू एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया बेटा, इसके लिए हम लोग टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों किया, कैसे, मतलब क्यों क्लासिफाई करना जरूरी था, और क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन साइंटिस्टों ने क्या क्या किया बेटा। तो हेडिंग नोट करो, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा एलिमेंट को क्लासिफाई करने का क्या जरूरत था बेटा? एलिमेंट करता पहले बेटा, एलिमेंट को क्लासिफाई करने का क्या है जरूरत है जी? ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लासिफाई इसलिए कर दिया क्या, ताकि जब बच्चे लोग पढ़े तो उनको बहुत सारा कंफ्यूजन हो, बहुत सारा टॉर्चर फील करे बच्चे, इसलिए चलो क्लासिफाई कर देते हैं। ऐसा कुछ हुआ था क्या बेटा? क्यों क्लासिफाई किया गया था तुम लोग को सताने के लिए? उनकी प्रॉपर्टीज के। अब बेटा भीड़ में, अब अगर भीड़ में एक साथ 10-15 लोग आ गया, ठीक है ना, एलिमेंट समय 10-15 नहीं, बहुत सारे हो जाए गया, 10-15 लोग भीड़ में आ जाए और तुमको पहचाने के लिए बोले अचानक से एक झलक देख कर, तो बता पाओगे क्या? या उनको अचानक से कभी तुम देखे नहीं हो, भीड़ में 20-25 लोग आ गए और बोले चल बताइए कैसा है, वो कैसा है, तो बता पाओगे क्या? एक को बता दोगे सर ये थोड़ा सा काला दिख रहा है, ये सांवला दिख रहा है, एक गोरा दिख रहा है, बाकी सब पता चल पाएगा क्या बेटा? नो सर। अब सोचो, अब बेटा एक जगह है एलिमेंट है ना, एक बॉक्स लेते, उस बॉक्स के अंदर एलिमेंट भर दिया एकदम, अगर सपोज एलिमेंट दिखाई देता तब तुम लोग को, तो एलिमेंट को देख के पहचान जाते हैं, अरे सर ये देखो ना गोला, ये तो सोडियम है, देखो सर सोडियम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो सर मैग्नीशियम यहाँ पड़ा हुआ है, देखो सर यही तो ऑक्सीजन है अपना, ऐसे देख के बोल सकते थे क्या? नहीं ना। और जब चीज को देखे ही नहीं पाओगे तो उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कह सकते हो क्या बेटा? नहीं। तो बेटा तो एक जरूरत पड़ा कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी, एलिमेंट तो खोज लिए बेटा लोग, अब एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अरेंज कर दे, ताकि उनके प्रॉपर्टीज को पता चल जाए बेटा, उनके बारे में, उनके रिएक्शन कैसे हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस कैसा है, ये सब सारी चीजें, ठीक ना बेटा? तो इसलिए लगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा इसी क्लासिफिकेशन के, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से बना पीरियोडिक टेबल। अच्छा पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया बेटा? क्यों रखा गया होगा? व्हाई नेम ऑफ पीरियोडिक, द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज टेकन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के नेम को पीरियोडिक टेबल ही क्यों रखा गया बेटा? तो वही तो हम आप लोग से पूछ रहे बेटा, तुम लोग हमसे नहीं पूछे तो हम आपसे पूछे हैं, क्यों रखा गया बेटा पीरियोडिक टेबल को? आखिर पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया? दोनों सर, क्योंकि पीरियड, दोनों, क्योंकि आप कभी अपने टीचर से पूछे नहीं बेटा 9th-10th में? नहीं सर, सर भूल गया सर, भूल गए। अब की बार फिर से 9th-10th पढ़ोगे तो पूछना, ठीक है ना बेटा? सर आप बता दो। और तो हम बताइए करेंगे बेटा। सर स्कूल नहीं गए थे उस टाइम। अरे कोविड वाला सर, 10th में स्कूल नहीं गए थे सर। 10th में स्कूल नहीं गए थे? नो सर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। हाँ बेटा देखो पीरियड का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। अच्छा वीक में डेज कैसे आते हैं बेटा? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, ऐसे ही आता ना बेटा, फिर थर्सडे आता है, टीएच कर लेता हूँ, फिर टीटी समझ लोगे, तो उसके बाद क्या आता है बेटा? फ्राइडे, कोडियो वाला सैटरडे, और उसके बाद संडे। बेटा ऐसे ही आता ना कि अचानक से सर मेरे यहाँ ना मंडे के बाद कैलेंडर में सीधा मंडे मंडे आ गया था, कल अब संडे संडे आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा? No, no, sir. एक
सात दिन के बाद फिर से 7 days के बाद फिर से ट्यूजडे, ठीक है ना बेटा। तो एक फिक्स समय के बाद मतलब टाइम इंटरवल के बाद वही चीज वही सेम चीज को रिपीट होना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना बेटा। एक जैसा ही पैटर्न मतलब फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होना, जैसे दिन का रात होना बेटा, ठीक है ना बेटा। अचानक तो नहीं होगा ना, कभी सवेरे हुआ मॉर्निंग हुआ बेटा, मॉर्निंग के बाद अचानक से नाइट नाइट चल रहा, फिर 5-6 दिन नाइट लगातार चला, फिर उसके बाद मॉर्निंग हो गया। नहीं सर, तो अगर ऐसा होता है ना तो समझ लेना तुम ज्यादा कुछ सो रहे हो, ठीक है ना। मॉर्निंग के समय सो जा रहा है, बस नाइट के समय जग रहा है वो, तो उसको नाइट नाइट दिखेगा भाई, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा, डे नाइट का भी होना एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है। ऐसा तो नहीं आज सवेरे जगे 6 घंटे के बाद 6 आवर के बाद सीधा फिर नाइट हो गया, फिर अचानक से सवेरे हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना चमत्कार। तो कोई भी चीजें सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड, पीरियोडिक टेबल। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पढ़ लियो ना बेटा। तो बेटा देखो यहाँ से हाइड्रोजन से ऐसे घूमते गए बेटा हीलियम को, हीलियम का पांव पढ़ के वापस आए लिथियम तक, फिर लिथियम से ऐसे घूम के गए क्या बेटा यहाँ पे नियॉन, उसको छू कर वापस आ गए सोडियम। बेटा इनमें कॉमन क्या देखो, सब में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा। Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो सब पे यही मिलेगा जी, 1s2, 2s1, ये 3s ना, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, सब में ऐसे ही ना बेटा, सबके एस में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। Yes, sir. है ना बेटा। पोटेशियम लोगे उसके नीचे, उसके भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम लोगे उसके भी बस एस में 1 इलेक्ट्रॉन, बस एस बढ़ते जाएगा, कौन सा सबसेल का जाएगा बेटा, पाइप वाला सबसेल, पाइप एस, रुबिडियम सीजीसीएम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजीसीएम 6s1, क्लियर है बेटा। तो देखो इतना लंबा चौड़ा घूम के वापस आ रहे तो सेम वही चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से मतलब जैसा इनका है लगभग जिस टाइप का ये केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट इस टाइप की रिएक्शन ये भी बन करता है सब। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, इतना घूमने के बाद भी जब इनमें देखा गया तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद मतलब यहाँ से यहाँ या वापस आने में जो इंटरवल था जितना गैप था उतने गैप के बाद सेम टाइप के एलिमेंट या सेम टाइप के प्रॉपर्टीज एलिमेंट सेम टाइप के प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट मिल रहे थे बेटा। तो इसी कारण इसका नेम क्या पड़ा बेटा, टेबल तो था ही, एक टाइम के बाद वही चीजें रिपीट हो रहा था तो इसको क्या बोल दिया बेटा, पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिसिटी टर्म्स क्यों यूज हुआ, क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। इसलिए पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल बोला गया, ठीक है ना। तो अब उतना ये सब तो नहीं लिखेंगे, व्हाई पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, अब पता चल गया ना बेटा। कल को कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन पूछे तो बता दोगे ना? यस सर, यस सर। नहीं तो कल को पूछ दिया कोई छोटा भाई बहन, भैया बताओ, बहन बताओ, नहीं दीदी बोलेगा ना, दीदी बताइए पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना। तो पड़ोसी के हम होंगे ना, पड़ोसी में पड़ोस में छोटा भाई बहन नहीं पूछेगा तो जाके बोल बोल तू पूछ, मैं छोटा भाई पूछेगा तो, ठीक है ना। Yes, sir. सारा संसार सुने नहीं हो क्या, सारा संसार अपना है, दुनिया में अकेला कोई थोड़ी ना है बेटा। All Indians are my brothers and sisters. नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया ना कुछ कुछ फ्यूचर के लिए भी छोड़ दो, एक्सेप्ट हाँ एक दो के एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है ना बेटा। सर एक दो, एक दो सर, एक दो, चलो बेटा ज्यादा डीप में जा रहे तुम लोग, वापस आओ। Okay, आ गए वापस? Yes, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ हमको भी डांट पड़ेगा घर में से, उधर मम्मी या पापा आएंगे बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो सर आज बच्चे लोगों को।
फ्यूचर 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 कह रहे थे ना बेटा. तो हेडिंग नोट प्रूफ करो, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सर पुराना वाला नोट नहीं करना था ना? नहीं बेटा वो तो ऐसे समझाने के लिए था. ओके सर. कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में था, कंफर्म कर लिया गया हमको. अच्छा हेडिंग नोट कर लेना हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में. उसमें फर्स्ट लेवोजियर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो बाबा लेवोजियर क्या कहते थे बेटा? पूरा नाम है एंटोनियो लेवोजियर. क्या कहते थे लेवोजियर? कभी सुने हो, कभी पढ़े हो? सुना सुना सा है कि नहीं सर? एकदम ही सुना सुना वाला है ना? यस सर. इनका कहना था जितने भी उस समय नॉन एलिमेंट थे वो टू टाइप के थे, ठीक ना बेटा? या तो मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल. ऑल नॉन एलिमेंट्स आर नहीं ऑल एलिमेंट्स आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट या फिर अकॉर्डिंग टू इट ऑल एलिमेंट्स आर टू टाइप, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट क्या है बेटा? मेटल. सेकंड है बेटा नॉन मेटल, ठीक है बेटा? तो ये था लेवोजियर क्लासिफिकेशन. जो एलिमेंट्स हैं टू टाइप के बेटा, मेटल एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है बेटा? बाद में कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर किए गए जो मेटलॉइड होते हैं. होते हैं कि नहीं बेटा? यस सर. इनके इसके कारण ये थ्योरी फेल हो गया बेटा. तो लिमिटेशन क्या होगा इस थ्योरी का? क्या लिमिटेशन नोट करोगे बेटा? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड या वेनिश, जो अच्छा लगे बेटा. ठीक है ना बेटा? सर लिमिटेशन में क्या लिखे एक बार रिपीट करो सर. ठीक है हम ही नोट कर देते हैं. लिमिटेशन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड एन एलिमेंट हैज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड और फेल, ठीक है ना बेटा? बस बहुत फास्ट लग रहा है बेटा, बस स्क्रीन डिस्टर्ब हुआ, सॉरी बच्चा लो. ठीक है बेटा. नोट कर लिया सब कोई?
हाँ सर यस सर। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्रायड, ये तो पढ़े ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है बेटा, नहीं पढ़े तो हम तो पढ़ाएंगे ही। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में? ये थर्ड चैप्टर 11th है बेटा। तो फिर राइनर लॉ ट्रायड क्या होता है बेटा? ट्रायड थ्री, ट्रायड तो थ्री से रिलेटेड है, लेकिन क्या बेटा? सर थ्री तीन एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले ट्रायड को डिफाइन कर देते हैं बेटा। अच्छा सर, लेकिन अब दोबारा नहीं करोगे ना बेटा? द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड, ठीक है ना बेटा? द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड, ठीक है ना बेटा? अब डोबे राइनर ट्रायड की खासियत क्या था बेटा? थ्री एलिमेंट का ग्रुप तो था ये, बट इसमें क्या था बेटा? सर मास ऑफ टू एलिमेंट इज इक्वल टू द थर्ड वन। मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड वन, ये भी सही है बेटा। तो चलो नोट करते हैं लॉ क्या था। सर द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड मास ऑफ मिडिल वन, ये भी सही है बेटा, लेकिन ये ज्यादा सही है, एवरेज करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना बेटा? या फिर हाफ। तो डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्रायड उनका कहना था अकॉर्डिंग टू इट, कहते थे बेटा ये द एटॉमिक द एवरेज कर लो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ट्रायड, या फिर बोल सकते हैं द हाफ ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ट्रायड इज इक्वल टू एटॉमिक मास, सॉरी थर्ड ना, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ट्रायड। ये था इनका लॉ, ठीक है ना बेटा? इसके लिए कुछ एग्जांपल दिया, देखो भाई जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा करके उन्होंने प्रूफ दिया, ठीक है ना? लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला ट्रायड, ठीक है बेटा? तो क्या कहता था इनका क्या कहना था बेटा? बाबा डोबे राइनर क्या कहते थे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास, तो लिथियम का मास बेटा
प्लस पोटेशियम का मास, इनका एवरेज। तो दो एलिमेंट है तो एवरेज निकालोगे तो टू से डिवाइड करोगे बेटा, दो एलिमेंट है तो एवरेज में टू से डिवाइड होगा, ठीक है ना बेटा। या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड एलिमेंट का जो मास है उसका सम और उसका हाफ, द हाफ ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मास सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक ना बेटा। ये किसके इक्वल है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो लिथियम का मास कितना होता है जी, 6 या 7। पोटेशियम का 29, ठीक है 29 की 19 था बेटा, 39 था, सॉरी बेटा 39 नंबर लिख दिया था, वो एटॉमिक नंबर नोट हो गया था। तो सवाल करने पे कितना आएगा बेटा, 46, 46 का हाफ कितना होगा बेटा, 23। सोडियम के एटॉमिक मास ऐसे आगे बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जब बोर्ड से बाहर तो नहीं डालना बेटा, एक एग्जांपल और नोट करवा देते हैं ना, रुको दो लोग बाहर भी हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चलो जल्दी से बताओ बेटा इनके मासेस, 40, 35.5। एक मिनट, ब्रोमीन आयोडीन नीचे लिखो हो जाएगा। तो ब्रोमीन का जो मास है क्लोरीन प्लस आयोडीन के मास के सम का हाफ होगा। तो क्लोरीन का मास कितना है जी, 35.5। आयोडीन का कितना, 127 या 125। कितना बेटा, कितना आएगा ये अप्रोक्स, 127 है ना बेटा, कितना आएगा बेटा, 81.2 सर, 81.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्स ब्रोमीन के आसपास है ना बेटा, एग्जैक्ट नहीं बट आ तो जाता है ना बेटा। ये था डोबे राइनर लॉ प्रायर जो बचपन में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है बेटा, जल्दी से छाप सर। हेलो हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे सर, वो बी आर के बाद क्या लिखा है, सी वन सी एल प्लस वन लिखा है, आई लिखा है, स्टेटमेंट क्या है, ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन है ये आयोडीन, स्टेटमेंट बोल रहा है फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट बी सी एल सी एल उसका और थर्ड कौन सा आयोडीन, इन दोनों को प्लस करना है बेटा। तो अब आयोडीन समझोगे या फर्स्ट समझोगे आप जानो सर, आयोडीन सर, सर वो वन ही है, आयोडीन की कमी है बच्चे को, टाटा नमक खाया करो बेटा, ठीक है, नोट करो जल्दी बेटा। ये क्यों फेल हो गया, अगर फेल नहीं होता तो पढ़ देना बेटा इसको डिटेल में, फॉलो नहीं करते थे बेटा, ठीक है ना बेटा, पेपर नहीं दिया था पीरियोडिक टेबल के इसलिए फेल हो गया ना बेटा। इनका जो ट्रायड है ना ये आइडिया ना बहुत ही ज्यादा फ्लॉप रहा उस समय, मतलब ठीक है इसमें मिल रहा है ऐसे सबका बना के दिखाओ, और मान लो सब पे एप्लीकेबल भी हो जाता तो कितने ट्रायड आदमी याद रखता बेटा, सही बात है कि नहीं बेटा, यस सर, इसलिए ये थ्योरी को भुला दिया गया।
लिमिटेशन में नोट करना, दिस आइडिया वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है ना बेटा, एंड दिस सॉरी इज डिस्कार्डेड। सर सर इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना सर? हाँ बिल्कुल सही पहचाना बेटा आपने। छाप लिया बच्चा लोग? हाँ सर। यस सर। लिमिटेशन खुद से नोट कर लोगे ठीक है ना बेटा? यस सर। रब कर दे बच्चा लोग। वैसे एक था, एक और क्या नोट कर लो, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। तो बेटा जो ट्राइड था वो क्यू एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल था। दिस कॉन्सेप्ट या द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्यू एलिमेंट्स एंड दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड। तो अब आते हैं हम न्यूलैंड के पास। न्यूलैंड बाबा ने कुछ बताया था बेटा, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बेटा संगीत प्रेमी थे ये, सोनू निगम के फैन रहा होते हैं, खैर उस समय तो था ही नहीं सोनू, किसी और अवतार में होगा तो बात अलग है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है ना बेटा। उन्होंने क्या देखा बेटा, हर सेवेंथ के बाद फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट एलिमेंट से मैच होती है, एट एलिमेंट से मैच होता है बेटा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू इट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एट एलिमेंट, लेकिन कब बेटा, व्हेन एन एलिमेंट अरेंज्ड in increasing order of atomic masses, ठीक है ना बेटा। तो लिथियम लिथियम के बाद सोडियम सॉरी बेरिलियम मैग्नेशियम यही था ना बेटा। लिथियम के बाद कौन से एलिमेंट है बेटा? बेरिलियम नहीं, वो तो नीचे आ जाएगा, इस तरह से जाना ना, सेवन मतलब ये कौन सा नंबर का, थ्री फोर फाइव वाला, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन, नोबल गैस नहीं था उसमें, तो इसका सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है ना। इनको अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया
जो लिथियम है ये फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है, उसके बाद एट वाला कौन सा गा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखो बेटा दोनों का प्रॉपर्टीज एक जैसे ही होते हैं बेटा, जैसा रिएक्शन इसका वैसा रिएक्शन इसका। उसके बाद कार्बन का देखा जाए तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका 8 एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, ये इसका कार्बन का कौन सा है बेटा, कार्बन के बाद 8 नंबर का एलिमेंट कौन सा बेटा, सिलिकॉन। इनके प्रॉपर्टी सेम आ जा रहे थे, तो इसी को बोला जाता है बेटा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। बाद में उसको लोगों ने उसको क्या किससे कंपेयर कर दिया बेटा, अरे ये तो म्यूजिकल नोट टाइप का है, कौन सा म्यूजिकल नोट बेटा, ठीक ना बेटा। द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एट एलिमेंट व्हेन इंक्रीजिंग एट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट, ऐसा लिख सकते बेटा, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने कंपेयर कर, बाद में लोगों ने कंपेयर कर दिया, ठीक ना बेटा, क्योंकि बेटा आप देखो बाहर इंडियन तो था ही नहीं कि उसको सारे गामा पा आता होगा ना बेटा। चलो yes. बाद में ऐसे मिला yes. दिया गया। हाँ तो दिक्कत क्या बात था बेटा, सही तो था कैल्शियम तक के, हाँ ये पहला दिक्कत बस कैल्शियम तक ही फॉलो होता था। सेकंड दिक्कत नोबल एलिमेंट नोबल गैसेस का डिस्कवरी हो गया बेटा कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, हमने जाके डिस्कवर कर दिया कुछ नोबल गैस, ऐसा नहीं है ठीक है ना, किसी ने किया होगा। तो बेटा नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो क्या हुआ बेटा, क्लोरीन और सोडियम के बीच कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, नियॉन, ठीक है ना। अब जो 1 और 8 का रिलेशन था वो रिलेशन कौन सा हो गया बेटा, 1 और 9 का, 9 का हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो आपका डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, दिस रिलेशन इज डिस्कार्डेड पहला, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, दिस रिलेशन इज डिस्कार्डेड। सर किसकी डिस्कवरी सक्सेसफुल नहीं हुई क्या, होगा ना बेटा अभी पहुंचेंगे फाइनल, तभी तो देख एक नया प्रेडिक्टेबल बना बेटा, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, वहां तक पहले कई लोग शहीद हुए ना बेटा, सब सारी चीजें एक दिन में थोड़ी हो जाता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है बेटा। अब ये तो था, और ये किसके लिए यूज हो रहा था बेटा, इट यूज फॉर ओनली लाइटर एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट बेटा मतलब कैल्शियम तक के, जिनके मास बहुत कम थे, ठीक है ना बेटा, दैट मींस अप टू कैल्शियम, जिनका मास कम रहता ना उसे लाइटर एलिमेंट बोल देते हैं बेटा, लो मास वाले एटॉमिक मास वाले। तो इसका डिस्कवरी मतलब लाइटर एलिमेंट कैल्शियम तक ही था बेटा, और डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस ये रिलेशन भी फेल हो गया बेटा। तो ये था लिमिटेशन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये भी फेल, हाँ, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एक अप्रोच दिया अपनी थ्योरी के साथ, एलिमेंट को अरेंज करना है किसके फॉर्म में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे पीरियोडिसिटी का जो भी रीजन है मे बी एटॉमिक मास हो सकता है, इन्होंने ये अप्रोच दे के गया बेटा। इसी पे आगे वर्क किया लोथर मेयर ने और मेंडलिफ ने, ज्यादा अच्छा वर्क किया बेटा, और एक उस समय तक के लिए बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना बेटा। यस सर, न्यूलैंड बाबा ही थे हमारे फर्स्ट टाइम जिन्होंने दिमाग देके गया लोगों को, बेटा मोह माया में मत पड़ो, एलिमेंट को इसके एटॉमिक मास के बेसिस पे जज करो, कहीं ना कहीं तो तुमको सक्सेस मिलेगा, ऐसा बोल के चल गए थे, ठीक है ना। तो पहले नोट करो, फिर पहुंचते हैं लोथर मेयर कर्व।
या फिर लोथर मेयर क्लासिफिकेशन सर मेंडेलियन पीरियड टेबल फेल हो गया था ना क्या बेटा मेंडेलियन पीरियड टेबल फेल हुआ था ना हाँ तभी तो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़े बेटा बहुत कोशिश किया बेटा मेंडेलियन ने अपने पीरियड टेबल को करेक्ट करने के लिए इसलिए उसमें कई बार अपडेट भी किए जैसे मोबाइल में अपडेट आता है ना बेटा एंड्रॉइड सिस्टम थोड़ा सा लगता है ये कुछ बग्स आ गए हैं तो उसको हटाने के लिए नया अपडेट ये सब उन्होंने भी अपडेट करते रहे फिर थक हार के बोले अरे हटाओ यार ये पीरियडिक टेबल ही खराब है ये अपना नया बंदा है बोर्ड्स उसका पीरियडिक टेबल है उसको पढ़ो जाके फिर हम लोग बोर्ड्स पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्या मॉडर्न पीरियडिक टेबल ठीक है ना सर मतलब अब तक वो सही है अभी कोई गलत नहीं हो कौन क्या गलत नहीं मतलब सर अभी तक वो जो पीरियड है मॉडर्न वो सही है अभी गलत नहीं है कुछ भी किसकी बात कर रहे हो अच्छा मॉडर्न पीरियड टेबल उसमें भी लिमिटेशन है बेटा बहुत पढ़ेंगे उसको भी मॉडर्न पीरियड टेबल में भी अच्छा खासा लिमिटेशन है सर अगर अभी नया एलिमेंट फाउंड है तो उसको कहाँ घुसाएगा मॉडर्न पीरियड टेबल में बताएंगे ना बेटा सब बताएंगे टेंशन का है लेते हो नहीं घुसाएंगे तो अपने घर ले जाके रखेंगे बट रखेंगे जरूर नया एलिमेंट को फेंकेंगे नहीं ठीक है यस सर सर डन पानी भी नहीं पीने दे वेट अ मिनट वेट अ मिनट कितना मिनट बेटा 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट तो 4 मिनट अ मिनट ठीक है चलो ऐसा कभी किसी को लगता है सर ये सब सब फेल हो गए तो फिर हमको पढ़ाया क्यों जाता है हटा देना चाहिए ना जो पास हो उसके बारे में बताएं सर आता है डाउट आता है क्यों पढ़ाया जाता है बताओ बेटा तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं लगता ना सर बेटा कभी कभी ना जो अभी निकला है सर वो कैसे निकला वो पता चलना चाहिए हाँ ये बिल्कुल सही है ठीक है ना बेटा बोला जाता है ना पहले बेटा अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो प्रेजेंट में जियो अच्छे से बेटा और प्रेजेंट को अच्छा करना है तो पास्ट में जो गलतियां हैं उसको सुधारो ऐसा कभी प्रवचन सुने हो कि नहीं सुने यस सर सुने इसीलिए मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल समझने से पहले पीरियडिक टेबल बना क्यों ये पता होना चाहिए अब पीरियडिक टेबल बनने के लिए कितने लोग शहीद हुए थे बनाने के लिए ये पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या गलती थे अरे बोलने के लिए बेटा तुम लोग भी ना एकदम बाल की खाल निकालते हो अब फेल हो गए थे ना बेटा ऐसे थोड़ी बोल दे फेल हो गए अब शहीद हो गए तो ऐसा रेस्पेक्ट दे देना चाहिए इन लोगों को भी अब तो मर ही गए ना इन लोग ऊपर मिले क्या भगवान के पास जब हम कभी जाएंगे तो मिलेंगे तो बता देंगे तुम लोग को छाप लिए बच्चा लोग नेक्स्ट बेटा लोथर मेयर ये तुमको टेक्स्ट बुक में मतलब 9 10th में नहीं पढ़ाया जाता है ना लोथर मेयर क्लासिफिकेशन 11th में मिलेगा बट कौन से नंबर में चलेगा बेटा 3rd में है ना ये लेवो जी आर डोगरा है ना 4th नंबर में लोथर मेयर क्लासिफिकेशन लोथर मेयर क्लासिफिकेशन तो इन्होंने बेटा अपने समय में ना बताया जैसे मेंडलिफ ने दिया ना बेटा उस समय का एक्यूरेट इन्होंने भी उसी समय मतलब दोनों का सिमल्टेनियसली आया था आगे पीछे थोड़ा सा बस डिफरेंस लेकिन मेंडलिफ ज्यादा यूज रहा क्लासिफिकेशन ये भी एक्यूरेट था उस समय के हिसाब से
बट उनका जो क्लासिफिकेशन था उसको याद रखने में दिक्कत जा रहा था लोगों को, ठीक है ना? क्यों दिक्कत जा रहा था आपको पता चल जाएगा बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया और इनका वॉल्यूम लिया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। और इनके बीच उन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच। उन्होंने क्या किया बेटा, ग्राफ को ड्रॉ किया। तो ग्राफ कुछ एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता बेटा, पहला लिमिटेशन यही है कि हम इसका ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे थे, इसलिए थ्योरी फेल हो गया, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन, हमारे स्टूडेंट इसके ग्राफ के पॉइंट्स को याद नहीं रख पाते थे, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गया, ठीक है बेटा। लिमिटेशन में नोट मत कर। अरे कैसे कुछ बोल रहे थे लोग, यहाँ सीरियस हो जा रहे हो आज। इसका लिमिटेशन यही है बेटा, एक तो ग्राफिकल फॉर्म में था, इजी टू लर्न नहीं था बेटा। अब ग्राफ में कौन सा पीक कहाँ पे होगा, कितना दूर होगा, याद रखना पॉसिबल है क्या बेटा? नो सर, नो सर। तो पहला लिमिटेशन यही था बेटा, इनका प्लॉट टेबल कौन सा फॉर्म में था, ग्राफिकल फॉर्म में, जिसको याद रखना इजी नहीं था बेटा। और जो लोकेशन एलिमेंट्स का वो कहाँ पे है वो थोड़ा सा तकलीफ था। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ ड्रॉ किया। तो क्या हुआ बेटा, जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम पिक पर आए, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम लोकेशन पर आए, पिक नहीं बोलोगे, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम लोकेशन पे आए, ठीक है ना बेटा। जैसे टॉप ऑफ द पिक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजीसियम, ठीक है ना बेटा। सेम टाइप प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक लोकेशन पे है बेटा। तो पिक के टॉप पे कौन से एलिमेंट थे बेटा, एस ब्लॉक ग्रुप वन, आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोलूं तो, ठीक है ना बेटा? यस सर। क्लियर है सबको? यस यस सर। देखो बेटा इसको क्या बोलोगे, स्लोप बोलोगे ना, ये स्लोप, ये भी स्लोप है बेटा, स्लोप है ना, ये भी स्लोप। यस सर। यस सर। तो इनका क्या है? जो स्लोप है ये उत्तर उत्तर नीचे उतर है ना बेटा, इसको बोलेंगे बेटा ऊपर चढ़ना, असेंडिंग नीचे, डिसेंडिंग स्लोप। क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग स्लोप, नीचे आ रहे हो। तो इस जगह पर, इस स्लोप के बीच वाले पॉइंट पर एस ब्लॉक ग्रुप टू के एलिमेंट कौन कौन से बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है ना बेटा। तो स्लोप डिसेंडिंग स्लोप के मिड पॉइंट पर कौन से एलिमेंट आए बेटा, एस ब्लॉक ग्रुप टू के एलिमेंट। ये सब याद रखना बेटा, नोट भी करते जाता हूँ, ठीक है ना बेटा। पॉइंट वन, ये थोड़ा सा पूछ लेता है बेटा या पूछ सकता है बेटा। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लोथर मेयर कर्व, मतलब ग्राफ और लोथर मेयर जिराफ, जिसका मतलब होता है ग्राफ, ठीक है ना बेटा। तो लोथर मेयर का जो जिराफ था मतलब ग्राफ था, उसका पहला पॉइंट बेटा क्या है, टॉप ऑफ द कर्व, टॉप ऑफ द कर्व। कौन सा एलिमेंट है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक ग्रुप वन एलिमेंट, इन एलिमेंट के एक और निकनेम है बेटा,
कोई बता सकता है इन एलिमेंट को और एक और नए नाम से जाना जाता है बेटा? अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल अल्काइली बोल सकते बेटा ये भी अल्काइली मेटल या अल्कलाइन मेटल्स। अर्थवर्थ मत लगाना वो कौन सा पता तो हो गए इतना जब बताइए तो। बी पॉइंट क्या कहता है बेटा? स्लोप उतरने वाला है या चढ़ने वाला है बेटा? उतरने वाला। उतरने वाला तो डिक्रीज हो रहा है ना, हाइट से नीचे आ रहा है ना बेटा? यस सर। इसे कौन सा स्लोप बोलेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग स्लोप, ठीक है ना बेटा? तो डिसेंडिंग स्लोप के मिड पॉइंट पे क्या था? एस ब्लॉक टू ग्रुप। हेलो। हाँ बेटा। एस ब्लॉक सेकंड सर। जी बोलो बेटा। डिसेंडिंग के जगह डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख लो, डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग मिड पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग स्लो। कौन से एलिमेंट थे बेटा यहाँ पे? ग्रुप टू के। ग्रुप टू एस ब्लॉक ग्रुप टू एलिमेंट्स जिन्हें क्या बोला जाता है बेटा? अर्थ मेटल। ठीक है बच्चा लोग, तो ये नोट करो, ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बनाना ताकि यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट करवाएंगे, एक इस साइड वाला पॉइंट असेंडिंग स्लोप और एक मिड वाला पॉइंट, ठीक है ना बेटा? जल्दी से नोट करो सर। डन। हेलो बेटा, छाप रहे थे साथ साथ में ऐसा लग रहा था। सर। यस सर। बेटा रब करने का मन नहीं कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग कर लो बेटा, इंक्रीजिंग और असेंडिंग स्लो। ये पॉइंट सी हो गया ना बेटा, बी यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे कौन था बेटा? हेलोजन। हेलोजन मतलब जानते हो कौन सा ग्रुप? 17 ग्रुप। ग्रुप 18। तो यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है बेटा? तो मिड पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग और असेंडिंग स्लोप हैलोजन ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, नोट कर लिए सबको? यस सर। वेट सर, प्लीज वेट। सारा याला बचा है। इस बार हम जल्दी नोट करते हैं ना बेटा। हाँ मिनिमा और बस बेटा, कुछ नहीं टेंशन ना लो। ग्रुप 13 एलिमेंट्स।
बाहर तो नहीं गया बेटा फ्रेम से। तो यहाँ पे बोरॉन, एल्युमिनियम, गाजर, ये सब इनथेला, ये सब ठीक है ना बेटा। और इसी के आसपास बेटा, अब इसी के आसपास डी ब्लॉक के एलिमेंट भरे पड़े हुए थे। तो बेटा कितना सा लोकेशन याद रखोगे, पॉसिबल है क्या बेटा याद रखना? सर इसको तो पेपर के हो गया, पेपर खत्म हो गया सर, पेपर के वक्त याद नहीं कर पाएंगे सर इसको। अच्छा इसीलिए तो बताया ना बेटा स्टार्टिंग में ही, इसको भुला क्यों दिया गया बेटा, क्यों फेल हुआ पहला, ठीक है ना, हमको बनाने नहीं आता था ग्राफ, मतलब एजी टू लर्न नहीं था। सेकंड बेटा लोकेशन याद रखना इतना आसान है बेटा, कौन सा पॉइंट्स पे कौन सा है करके? नो सर। तो बस इसका लिमिटेशन नोट करना, डिफिकल्ट टू लर्न। सर हम भी भूल जाए क्या? हाँ उसके बाद भूल जाओ, बस ए बी सी डी वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, उसको हम याद कर लिए थे इसलिए। बरसों पहले एक क्वेश्चन पूछ चुका है ना बेटा इससे, इस पॉइंट से, इसलिए याद रख लेना। ए बी सी डी सबसे टॉप पर कौन से हैं, वो सबसे बॉटम ऑफ द कर्व मतलब मिनिमम, इसको मैक्सिमम भी बोलते हैं बेटा, ऊपर वाले पिक को क्या बोलते हैं मैक्सिमा, इसको मिनिमा। मिनिमा तो टॉप ऑफ द कर्व और बॉटम ऑफ द कर्व या मिनिमा या फिर मैक्सिमा, ये याद होना बेटा। बीच वाले पॉइंट कौन सा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, सारे बहुत सारे एलिमेंट थे बेटा उस समय के, जितने भी नॉन एलिमेंट थे सबको अरेंज किया गया था और वाकई में सही भी था, बट याद रखना दिक्कत वाली बात था ना बेटा। बट एक ही में सर इतने सारे, इसीलिए तो दिक्कत है ना बेटा याद रखने। अरे तीसरी स्लोप थे किसके आगे भी गई थी? नहीं पूरा जितना उस समय एलिमेंट था सभी थे बेटा। सर नहीं सर ये ग्राफ इतना इतना किसके आगे भी ऐसा वेव बन रहा? नहीं बस लास्ट फ्रांसिसियम तक था वहां तक। मतलब जाएगा ही वो, बस इतना याद नहीं रखना है कहाँ तक था क्या था, बस जो जो पॉइंट्स हमने बता दिए वो याद रखना है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा, एक लेक्चर मेनली प्रेडिक्टेबल पे ही जाएगा बेटा, ठीक है? Yes sir. Bye sir. Bye sir. Bye बच्चा लोग सभी को। Thank you sir. और सुनो 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 बेटा, आज जो सेकंड लेक्चर है फाउंडेशन थ्री वाला वो नहीं रहेगा, ठीक है ना? Bye sir. बस अर्जेंट वर्क है इसलिए हम वो लेक्चर नहीं लेंगे, ठीक है ना बेटा? Okay. Okay sir. Yes sir. Okay sir. Bye सभी को बच्चा लोग। Bye. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir.